गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, नाउ डिस्कस अबाउट बैरियर टू कम्युनिकेशन। प्रीवियस क्लास में हमने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था, क्या कम्युनिकेशन है, किस तरह से कम्युनिकेशन करना है, उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, नेचर, पर्पजेज, इम्पोर्टेंस, प्रिंसिपल्स, प्रोसेस, देन टाइप्स, इसके बारे में प्रीवियस क्लास में आपसे डिस्कस किया था। देन नाउ टूडे डिस्कस अबाउट बैरियर टू कम्युनिकेशन, कौन कौन सी जो रुकावटें अपने कम्युनिकेशन में आती हैं। सो डियर स्टूडेंट, कम्युनिकेशन प्ले ए मेजर रोल इन डेवलपिंग ए रिलेशनशिप। तो कम्युनिकेशन एक मेजर रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन ऑल्सो अफेक्ट्स द रिलेशनशिप अमंग फैमिली मेम्बर्स और मैनेजमेंट इन एनी इंस्टीट्यूट। तो प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन नहीं होगा तो जो आपका रिलेशनशिप है उसमें प्रॉब्लम आएंगी, लाइक द फैमिली मेम्बर में या मैनेजमेंट में, कोई भी इंस्टीट्यूट से ऑर्गेनाइजेशन में, कोई कुछ आपको वर्क करने के लिए बोला, आपने कुछ और समझा, तो वो प्रॉब्लम्स आएंगी। तो गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, लेकिन कुछ बैरियर्स होते हैं जो प्रॉब्लम करते हैं, तो देन हियर आर सम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल बैरियर्स। नाउ फिजिकल बैरियर्स एंड फिजिकल थिंग दैट गेट इन द वे ऑफ कम्युनिकेशन। फिजिकल डिस्ट्रक्शन इज द वे, फिजिकल थिंग दैट गेट इन द वे ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस अनकम्फर्टेबल मीटिंग प्लेस, कोई भी मीटिंग प्लेस अनकम्फर्टेबल है या सही महसूस नहीं कर रहे हैं, कोई आवाज़ गूंज रही है और कुछ प्रॉब्लम हो रहा है जिससे कम्युनिकेशन में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, जिससे जो सेंडर है आपके लिए कुछ बोल रहा है, कम्युनिकेटर है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये अनकम्फर्टेबल मीटिंग प्लेस लाइक नॉइज, या कहीं ज़्यादा आवाज़ हो रही है, आप कहीं जैसे कोई भी बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है और उधर कम्युनिकेशन चल रहा है, कोई भी आपकी मीटिंग चल रही है और आवाज़ बाहर आवाज़ हो रही, तो वो उसमें प्रॉब्लम आई है। तो लाइक द फिजिकल कम्युनिकेशन, लाइक द इंक्लूड क्लोज ऑफिस डोर्स, या वर्क प्लेस पे आप काम कर रहे हैं, फिजिकल वे इन द वर्क प्लेस इंक्लूड क्लोज ऑफिस डोर्स होते, ऑफिस में गेट बंद है और कुछ आपके लिए बोला है लेकिन प्रॉपर वे में आपको समझ में नहीं आ रहा है। देन सेपरेट एरियाज फॉर पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेटस, अलग अलग स्टेटस के क्या होते, अलग अलग पीपल के डिफरेंट सेपरेट एरियाज होते हैं, वो दूर से आपको कुछ बोला उसने लेकिन वो समझ में आया, दूरी डिफरेंस उसकी वजह से कुछ आपको समझ में नहीं आएगा जो भी उसने कम्युनिकेट किया। लाइक द फिजिकल बैरियर्स, लाइक द सेकेंड वन फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, लाइक द विजन डिफेक्ट, देखने में कुछ आपको प्रॉब्लम होती है, कुछ भी देख नहीं पा रहे हैं आप, कोई मीटिंग हो रखी है वो बोर्ड पे आपको समझा रहे हैं तो दिखने में प्रॉब्लम हो रही है आपके लिए, प्रॉपर वे में आप देख नहीं पाते, तो वो एक बैरियर है कम्युनिकेशन। देन हियरिंग प्रॉब्लम्स, कोई भी आप सुनने में प्रॉब्लम है आपके, पुअर लिसनिंग, पुअर अटेंशन, सुनने में प्रॉब्लम है आपके, प्रॉपर आप सुन नहीं पाते, प्रॉपर अटेंशन नहीं है आपका, माइंड कहीं और है आपका, बैठे हैं लेकिन माइंड डाइवर्ट हो रहा है, तो अटेंशन नहीं है, तो सम फिजिकल बैरियर विच इंटरफेयर द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो ये इंटरफेयर करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में। देन नेक्स्ट वन फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के बाद नेक्स्ट वन साइकोलॉजिकल बैरियर्स। लाइक दिस साइकोलॉजिकल, आप समझते हैं साइकोलॉजिकल क्या है, देन लाइक दिस फियर, वॉरी, एंजाइटी, कोई डर है किसी कम्युनिकेशन आप बात करें तो आपको डर है उससे कि आप बात करोगे तो वो आपको डांटेगा या आप कुछ गलत बोल देंगे तो वो आपकी, तो एक डर की वजह से भी आप उसको प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता, कोई चिंता है आपके लिए, देन एंजाइटी है आपको, तो घबराहट है बात करने से, आपको फियर लगता है, तो इससे आपकी क्या कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। देन कल्चरल बैरियर्स, कल्चरल बैरियर्स है, लाइक द एवरी कल्चर हैज इट्स ओन सिंबल ऑफ बिहेवियर, इफ दीज सिंबल्स आर नॉट अंडरस्टूड बाई एन इंडिविजुअल देन देयर इज ए बैरियर इन देयर कम्युनिकेशन। अलग अलग कल्चर के, अलग अलग कम्युनिटी जो कल्चर है उनके अलग बैरियर सिंबल होते हैं,
वो लैंग्वेज सिंबल कह सकते हैं और अदर कल्चर के, जो अलग अलग जगह पे अलग अलग कल्चर मिलता है थोड़ी दूर, तो उधर क्या उनकी जो लैंग्वेज है वो प्रॉपर वे में आप उनको नहीं समझ पाएंगे, कल्चर अलग है, डिफरेंट कल्चर की वजह से वो आपको समझाना चाह रहे हैं लेकिन आप अंडरस्टूड नहीं हो रहे, तो ये लैंग्वेज कल्चर बैरियर्स, देन लैंग्वेज बैरियर्स, लाइज लैंग्वेज बैरियर्स से आप समझ रहे हैं भाषा। व्हेन वी कन्वे आवर मैसेज इन सच लैंग्वेज कंटेंट एंड पुअर प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर नहीं है लैंग्वेज में, आप किसी को समझाएं प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन ही नहीं है आपका, सामने वाला उसका मीनिंग दूसरा निकालेगा, तो कम्युनिकेशन बैरियर। देन वोकेबुलरी, प्रॉपर वोकेबुलरी मीनिंग समझ नहीं पा रहे हैं या समझा नहीं पा रहे हैं आपके लिए, तो ये कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आवर टर्मिनोलॉजी में प्रेजेंट बैरियर्स टू अदर हु आर नॉट फैमिलियर, तो टर्मिनोलॉजी कई बार ऐसी होती है आप उसको फैमिलियर नहीं समझ पाते, तेज समझा दूसरी लैंग्वेज से तो वो प्रॉपर वे में वो उसको समझ नहीं पाता, तो प्रॉपर लैंग्वेज अपने को यूज करनी है। देन नेक्स्ट वन जेंडर बैरियर्स, जेंडर बैरियर लाइक द फीमेल देन मेल, जेंडर एंड एज ऑल्सो बिकम कम्युनिकेशन बैरियर्स, एज भी अपन कह सकते हैं एज की वजह से नहीं हो सकता प्रॉपर कम्युनिकेशन। देन लॉजिकल एंड देन फॉर एग्जाम्पल ए फीमेल फील कम्फर्टेबल टू टॉक विद फीमेल ऑफ सम एज ग्रुप्स रेदर देन द मेल, मेल की तुलना में फीमेल कब मैसेज करे फीमेल के, लेकिन अगर वो मेल से बात करेगी तो प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है, तो ये जेंडर बैरियर्स में आता है। देन लैक ऑफ फीडबैक, लाइक द लैक ऑफ फीडबैक मीन्स कोई भी कम्युनिकेशन आपका हो रहा है आपने वो प्रॉपर वे में सामने वाला समझ नहीं पा रहा है रिसीवर, तो आपके पास फीडबैक नहीं आएगा, इट मीन्स उस जो कम्युनिकेट आपने किया वो प्रॉपर वे में वो उसको नहीं समझा, तो इसको बोलते लैक ऑफ फीडबैक। फीडबैक इज द मिरर ऑफ कम्युनिकेशन, क्या फीडबैक इज मिरर ऑफ कम्युनिकेशन, जिस तरह से आप मिरर में अपने आप को देखते हो आप देखोगे मेरे को, तो जो भी आप कम्युनिकेट किया आपने फीडबैक आएगा, इट मीन्स प्रॉपर वे में आपने चैनल से आप समझाया वो समझ में आया सामने वाले के, लेकिन फीडबैक नहीं आया तो बैरियर है प्रॉपर वो उसने ले उसको नहीं समझा। फीडबैक मिरर्स व्हाट सेंडर हैज सेड, फीडबैक इज द रिसीवर्स मैसेज सेंडिंग बैक टू द सेंडर द मैसेज परसीव, विदाउट फीडबैक कम्युनिकेशन इज वन वे, इट मीन्स क्या है वो कम्युनिकेशन है वन वे कम्युनिकेशन है ओनली, अगर फीडबैक नहीं आ रहा है तो वन वे कम्युनिकेशन। देन नेक्स्ट वन हाउ टू ओवरकम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, किस तरह से अपन इन बैरियर को दूर कर सकते हैं, प्रॉपर कम्युनिकेशन किस तरह से कर सकते हैं। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अगर आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है सक्सेसफुल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपके लिए करना ही होगा। किन चीज़ों का ध्यान में रखना है वो नीचे पॉइंट है उस पर अपन डिस्कस करेंगे, जिससे आप अच्छे से कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। ब्रेकडाउन इन कम्युनिकेशन आर नॉट ओनली एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, अगर कम्युनिकेशन के ब्रेकडाउन होगा प्रॉपर वे में आप नहीं समझ पा रहे तो न केवल ये महंगा है और समय भी आपका लेगा, क्योंकि बार बार में आपको चीज़ें रिपीट करनी पड़ेंगी, बार बार में उसको आपको समझाना पड़ेगा, तो कंज्यूम टाइम भी कंज्यूम कर रहा है और एक्सपेंसिव भी है, महंगा भी आपके लिए, बार बार में आपको चीज़ें सारी करनी पड़ेंगी तो महंगा भी है और टाइम भी आपका ख़राब होगा। तो किन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना जिससे अपन प्रॉपर कम्युनिकेशन कर सकें, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लेरिफाई आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन, जो भी आपके कम्युनिकेशन के आइडिया है बिफोर कम्युनिकेशन वो क्लेरिफाई होने चाहिए,
The person sending the communication should be very clear in his mind about what he want to say. Means आपके लिए क्या बोलना है वो पहले ही क्लियर भाई आपके पास होने चाहिए. Therefore, he should arrange his thoughts in a proper order. जो भी आपको डिस्कस करना है, किसी भी मैटर में डिस्कस करना है, पहले ही सारे आइडियाज आपके पास क्लियर होने, किस ऑर्डर में, प्रॉपर ऑर्डर में आपके थॉट आते रहने चाहिए. ठीक है, इसलिए कि सारे आइडियाज, जो भी आपका टॉपिक है, जो भी डिस्कशन का टॉपिक है, वो क्लियरिफाई आइडियाज सारे होने चाहिए कम्युनिकेशन से पहले, जिससे अपन उस बैरियर को दूर कर सकें. देन नेक्स्ट वन, कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर. जो कम्युनिकेट करना है अपने लिए अकॉर्डिंग टू रिसीवर के, ना कि अपने अकॉर्डिंग. तो जो भी आपका लेवल है वो रिसीवर के अकॉर्डिंग अपने को लेवल करना, ना कि अपने लेवल के अकॉर्डिंग रिसीवर से बात करनी. नो, तो द सेंडर ऑफ द कम्युनिकेशन शुड प्रिपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ द मैसेज नॉट अकॉर्डिंग टू हिज ऑन लेवल और एबिलिटी. सामने वाले के लेवल और एबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, कम्युनिकेट करना, जिससे वो प्रॉपर वे में समझ सके. देन अंडरस्टैंडिंग और द एनवायरमेंट ऑफ द रिसीवर. तो वो अंडरस्टूड हो जाए जो भी आपने, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को प्लान करना है, किस तरह से अपने को बात करना है, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने को बात करनी. देन नेक्स्ट वन, कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेशन. जो भी आप कम्युनिकेशन से पहले दूसरे जो मेंबर्स हैं उनसे कंसल्ट कर लेना चाहिए अपने को, किस तरह से अपने को कम्युनिकेट करना है, कोई प्रॉब्लम है तो उस बारे में. एट द टाइम ऑफ प्लानिंग द कम्युनिकेशन सजेशन शुड बी इन्वाइटेड फ्रॉम ऑल द पर्सन्स कंसर्न. चाहे जितने भी पर्सन्स हैं उनसे अपन को कंसर्न कर लें एक बार, जिससे प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सके, कोई भी बैरियर नहीं आए, कोई रुकावट अपने को नहीं आए. इट्स मेन एडवांटेज विल बी दैट ऑल दोज पीपल हु आर कंसल्टेड एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द कम्युनिकेशन प्लान विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम. क्या एडवांटेज है अपने पास इसका, कम्युनिकेशन जो सिस्टम है अपना, वो क्या होगा, सक्सेस कब होगा, जब अपन पहले कंसल्ट कर लें क्या कि किस पॉइंट पे डिस्कस करना है उसके बारे में, तो उससे क्या होगा, अपना जो सिस्टम है कम्युनिकेशन प्रॉपर वे में रहेगा. देन नेक्स्ट, बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज टोन एंड कंटेंट ऑफ मैसेज. मीन्स जब भी आप बात कर रहे हैं तो अवेयर है लैंग्वेज से, आपके टोन से, किस तरह से आपको बात करनी है, कैसी लैंग्वेज में बात करना है, सामने वाले कौन सी लैंग्वेज समझ रहा है उसमें थोड़ा सा आपने बात करना है. एंड कंटेंट ऑफ मैसेज, जो क्या कंटेंट है अपने मैसेज. तो द सेंडर शुड टेक केयर ऑफ द फैक्ट दैट द मैसेज शुड बी फ्रेम्ड इन क्लियर एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज. अच्छी लैंग्वेज में उससे बात करना, टोन आपका अच्छा होना चाहिए, एक अच्छी लैंग्वेज से आपको सामने वाले से बात करना. द टोन ऑफ द मैसेज शुड नॉट इंजर द फीलिंग ऑफ द रिसीवर. आपकी जो टोन है बात करने की वो अच्छी होनी चाहिए, ना कि आप उसको डांट रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं. तो अच्छी टोन में उससे बात करना है. देन द मैसेज शुड बी ब्रीफ एंड एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्निकल वर्ड्स शुड बी अवॉइडेड. जो वर्ड है जैसे टेक्निकल है, उन वर्डों को थोड़ा आपको अवॉइड करना है, और जो भी मैसेज है आपको उसको ब्रीफ में समझा के, जिससे सामने वाले को समझ में आ जाए. इंश्योर प्रॉपर फीडबैक. द पर्पज ऑफ फीडबैक इज टू फाइंड आउट वेदर द रिसीवर हैज प्रॉपरली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव. इंश्योर करें आप प्रॉपर ये फीडबैक के, फीडबैक सामने वाला आ रहा दे रहा है, जिससे क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाले को जो आपने समझाया वो प्रॉपर वे में समझ गया है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है वो रिसीवर ने उसको समझ लिया, वो फीडबैक देगा. अदरवाइज अगर फीडबैक नहीं आया तो समझे उसके समझ में नहीं आया, फिर भी समझ में नहीं आ रहा, तो इन ए फेस टू फेस कम्युनिकेशन द रिएक्शन ऑन द फेस ऑफ द रिसीवर कैन बी अंडरस्टूड. फेस से अपन मालूम कर सकते हैं उसको समझ में आया है या नहीं आया है. देन नेक्स्ट वन, कंप्लीटनेस ऑफ द मैसेज. मीन्स आपका जो मैसेज है वो कैसा होना चाहिए, कंप्लीटनेस, पूरी कंप्लीट
जो भी आप उनको इन्फॉर्म कर रहे हो, जो मैसेज कर रहे हो, वो कंप्लीट होने चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अजम्पशन अबाउट द मैसेज मस्ट बी कंप्लीट, तो कल्पना ही रहेगी उस बारे में कि मैसेज कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, तो टाइमली एंड एडिक्वेट इन ऑल रेस्पेक्ट, अदरवाइज इट इज लाइकली टू बी मिसअंडरस्टूड। प्रॉपर वे में आप कंप्लीट आपने मैसेज नहीं किया तो वो कल्पना ही कर सकते हैं कि मैसेज कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, तो सामने वाला अंडरस्टूड नहीं होगा, वो समझ, इसलिए हाउ टू ओवरकम बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, तो आपका जो मैसेज है, जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं मैसेज के द्वारा, वो बिल्कुल कम्प्लीटली होना चाहिए, अनकम्प्लीट मैसेज नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन, यूज अप्रोप्रिएट चैनल्स, मीन्स जो भी आप समझा रहे हैं तो प्रॉपर चैनल होना चाहिए, चैनल एंड रिटर्न एंड ओरल मीडिया विल हेल्प टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। देन जो आपने समझा उसको रिटर्न में आप समझा सकते हैं, ओरली आप उसके लिए अच्छे समझा सकते हैं, यूज ऑफ मल्टीपल चैनल्स, मल्टीपल चैनल आप उसको यूज कर सकते हैं, जो भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, चैनल किस किस तरह से अपन बात कर सकते हैं, तो वो चैनल को जिससे सामने वाला प्रॉपर वे में जिस भी लैंग्वेज में देन चैनल में समझ रहा है, वर्ड्स में, फेस टू फेस या रिटर्न या ओरल, वो जैसे भी समझ रहा है उस प्रॉपर चैनल में अपने को सामने वाले को समझाना है। वी बी ए गुड लिसनर, देन सेंडर देन रिसीवर बी ए गुड लिसनर, दोनों अच्छे लिसनर होने चाहिए, ये नहीं कि वन वे ओनली चल रहा है, हमने समझाया सामने वाले की आप बात नहीं सुन रहे, नो बी ए गुड लिसनर, तभी बैरियर को अपन दूर कर सकते हैं, तब सामने वाले की आपको आप बात सुनेंगे। तो इट इज़ द एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन दैट बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर शुड बी गुड लिसनर्स, बोथ शुड लिसन टू द ईच अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू विद अटेंशन पेशेंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। जो भी आप बी ऑफ पॉइंट टॉपिक से रिलेटेड पेशेंस आपको रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड आपके लिए रखना है, सामने वाले की बात को भी अपने को सुनना है, क्या वो आपके लिए समझा, कोई भी हो सकता है कोई सजेशन हो, तो बी ए गुड लिसनर, बोथ आर बी ए गुड लिसनर, दोनों को अच्छे से सुनना है। देन नेक्स्ट वन, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आपस में विश्वास होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, आपस में दूसरे पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कम्युनिकेशन इज एन इंटरपर्सनल प्रोसेस, क्या है कम्युनिकेशन, कैसे इंटरपर्सनल प्रोसेस, आपस में रिलेशन, आप एक दूसरे में एक्सचेंज करते हैं आप थॉट के लिए, आइडियाज के लिए, क्योंकि वन और टू और मोर पर्सन जब भी कम्युनिकेशन क्या होगा, टू और मोर पर्सन होंगे, तो इंटरपर्सनल प्रोसेस है ये, आपस में दूसरे को, एक दूसरे को अपन कम्युनिकेट करते हैं, देयरफॉर इसलिए इट कैन बी मेड इफेक्टिवली बाय डेवलपिंग म्यूचुअल ट्रस्ट। तो आपस में जो भी संस्था है या ऑर्गेनाइजेशन है, आपस में क्या ट्रस्ट होना चाहिए, तभी आप वो बैरियर को, अगर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो बैरियर बराबर बैरियर रहेगा, मीन आप उसको समझा नहीं सकते, सामने वाला आपको नहीं समझ सकता, तो आपस में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, तो आपस में ट्रस्ट एक दूसरे पर होना चाहिए। रेस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस अमंग द मेम्बर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपस में रेस्पेक्ट करना दूसरे का भी, इससे प्रॉपर वे में वो समझा चाहिए। देन कॉन्फिडेंस अमंग द मेम्बर के बीच में कॉन्फिडेंस, आपस में जो भी वर्कआउट दिया वो कॉन्फिडेंस से कर सकें, ट्रस्ट होना चाहिए। देन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी संस्था में आप काम कर रहे हैं, वो प्रॉपर वे में उन पर म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। थैंक यू।